गौरव भाटिया जी, किसी मुगालते में किसी भी बड़ी पार्टी को नहीं रहना चाहिए, सीधे आपके लिए ही संदेश है। उसके बाद आलोक जी मैं आ रही हूं आपके पास। बात है, आप कांग्रेस को देखिए, केसी त्यागी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं केसी त्यागी जी से इतना ही कहना चाहता हूं। केसी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी समय पे दो सांसद की पार्टी 303 सांसद की पार्टी हो गई। मेहनत, कर्मठता, अपनी विचारधारा से अडिग रहना हमेशा तभी हुई है ना। और संख्या बल दलों की ज्यादा हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो कहते थे कि बाकी नेता भ्रष्टाचारी हैं, हाथ पकड़ पकड़ के उठाया था। 2019 में क्या परिणाम हुआ हम सब ने देखा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसका हाथ पकड़े हैं, शरद पवार का, चित्रा जी उनके लिए कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, हाथ पकड़ लिया। तो समझौता तो किया ना आप लोगों ने, जो आपकी विचारधारा थी। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, बुधवार को अखिलेश यादव, बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल और शुक्रवार को मायावती, शनिवार को उद्धव ठाकरे और रविवार को काम नहीं होता, छुट्टी होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। अरे प्रधानमंत्री जो है वो व्यक्ति होता है जो 24 घंटे काम करता है दिन में और पूरे साल काम करता है। ये बात आपको समझनी होगी। और विरोधाभास इतना है चित्रा जी, ये कह के मैं अंत करूंगा, मैं अपने शब्दों पे नहीं या भाजपा जो कहती है, शरद पवार ने क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये नहीं कहा कि ये जो हवेली थी ये खंडर बन गई है, लेकिन अभी भी हवेली के मालिक को लगता है कि ये हवेली है। क्या ये सत्य नहीं है? ममता बनर्जी ने अपरिपक्व बुलाया, ये सारे जो कॉमेंट्स हैं ये एक दूसरे को आग में आग मिला के देख नहीं सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि हमसे लड़ेंगे, अरे हमसे इसके नहीं लड़ सकते क्योंकि इनमें एकजुटता नहीं है, ये एक दूसरे को खुद ही खींच रहे हैं। आलोक जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों से कहा कि वो साथ आए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ही अगर हम ले लें, जहां से यात्रा होकर गुजरेगी और आगे की तरफ जाएगी, वहां पर कोई भी विपक्षी दल आपके साथ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, कोई भी आकर खड़ा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो एकजुटता का संदेश आप लोग देने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन एकजुटता है कहां आलोक जी, जिसे बीजेपी को आप देंगे टक्कर? चित्रा जी, मुझे लगता है आज सवाल एकजुटता बीजेपी के एनडीए पे होना चाहिए, क्योंकि बसपा हो चाहे सपा हो, वो हमारे यूपीए के हिस्सा ना पहले थे ना अब है, लेकिन 2009 में दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। आगे भी समय आएगा तो सपोर्ट मिलेगा, तमाम दल हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अभी प्रवचन चल रहा था भाजपा की तरफ से, इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में साझेदारी की है, ममता जी के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, शिवसेना के साथ भी, अकालियों के साथ भी, आज इनके साथ एक भी नहीं। लेकिन प्रवचन बहुत लंबा था। केवल अभी मैं बता देता हूं, तीन राज्यों में 100 सीटें कम हो रही हैं इनकी। वेस्ट बंगाल 18 सीटें घट रही हैं, बिहार में 33 से 34 सीटें घट रही हैं और महाराष्ट्र में 32 सीटें घट रही हैं। अगर जो पुराना अलायंस था 2019 का और आज के अलायंस के हिसाब से चलेंगे, अगर कर्नाटक को भी ऐड कर लें, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 150 सीटें जो आज की वर्तमान की सरकार है, क्योंकि वो तमाम अलायंस के पार्टनर्स इनसे दूर जा चुके हैं, अकाली तक दूर जा चुके हैं। अब पंजाब में इनका खाता नहीं खुलेगा, विधानसभा में भी नहीं खुला था। जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो अपना दम कम दिखाएंगी। मोदी जी किस बात पर वोट मांगेंगे? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल ही रहा है, सबका मकान उन्होंने बड़ा भाषण दिया था। आज 2022 तक मकान होगा, मकान में नल होगा और नल में जल होगा, सब कुछ हो ही गया है 2022 तक, सबको मिल ही गया है। मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी है, और खास तौर पर जाने वाले 2022 के शासन में वो पूरे देश ने देखा है। आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अरे भाई आप रेवड़ियां बांट रहे हैं क्या? ये 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है फ्री, तो आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। वन रैंक वन पेंशन वाले लोग वन रैंक फाइव पेंशन के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे हैं। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से लेकर तमाम लोगों ने झूठ बोला। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। एक बदलाव हुआ, उसको भी कोरोना में बदल दिया इन्होंने। कोई मकान नहीं खरीद सकता, अगर कोई खरीदवा सकता हो तो मैं खरीदना चाहता हूं। आज बड़े बड़े वायदे किए गए, बहु लाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी बदल दिया गया। किसान की आय दुगनी कर देंगे,
आय घट गई 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटल इनकम किसान की हो गई। देश की पर कैपिटल इनकम 1,14,000 से घटकर 91,000 पर आ गई। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े आने बंद करवा दिए इन्होंने। 700 से ज्यादा किसान हिंदुस्तान की राजधानी के बॉर्डर पर शहीद हो गए।